नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, करो शर्म नहीं तो डूब मरो, इसी पानी में डूब मरो। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। सीतामढ़ी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीतामढ़ी सुरसंड नेशनल हाईवे पर धान रोपकर जेडीयू और बीजेपी सरकार का विरोध किया। सीतामढ़ी के बरियारपुर में मानसून की पहली बारिश में ही सड़क पर समुंदर जैसा हालात बन गए हैं। सड़क पर घुटना भर से अधिक पानी जमा है, लिहाजा लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की इस दुर्दशा को देखकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने युवा आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोशन यादव के नेतृत्व में सड़क पर धान रोप कर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। युवा आरजेडी के जिला अध्यक्ष रोशन यादव ने इस दौरान बीजेपी और नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार का यही विकास है, इसी के दम पर सरकार आगामी चुनाव में वोट मांगेगी। नीतीश कुमार जी के 15 साल का विकास हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो खोखला दावा किए थे कि सड़क का निर्माण बारिश होने से पहले सड़क व्यवस्था दुरुस्त कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा, तो सब में फेल है। और यहाँ ये सड़क का जो एक गड्ढा और ये समुद्र बना हुआ है सुरसंड का मुख्य पथ बरियारपुर, इस गांव को हमारे एनडीए के जो सांसद थे राम कुमार शर्मा जी, उन्होंने इस गाँव को गोद लिए हुआ है, आप लोगों को मैं बता दूँ। और इस गाँव का ये हाल है, कभी भी किसी का भी जान जा सकता है, गाड़ी पलट सकता है। यहाँ से लोगों को, यहाँ से जो भी लोग जाते हैं वो आए दिन यहाँ गिरते हैं, जख्मी हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यही आपके 15 साल का विकास है, और इसी विकास में हम लोग आपके विकास में धान रोपने का काम किए हैं, और 2020 में इसी सब मुद्दा पे आप वोट मांगिएगा। नीतीश कुमार की सरकार हर एक जगह विफल है, विकास के नाम पर ढकोसला है, यह रोड देख रहे हैं कोई कहीं विकास नहीं है, और पलटू राम बोलिए इसको, जो भी बोलते हैं अभी तक कुछ किए नहीं, और जो सड़क का हाल है आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। सड़क की हालत बदतर हो गई है। वहीं युवा आरजेडी के प्रधान महासचिव मृत्युंजय श्रीवास्तव ने कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं, वे जो भी वादा करते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते। जबकि धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने सत्ता में आने से पहले विकास का वादा किया, सब झूठा है और इसकी वानगी आपके सामने, ये नेशनल हाईवे है। सड़क बारिश के बाद धान की खेती के रूप में तब्दील हो गई है, इसीलिए हम लोग यहाँ धान रोपकर सरकार की नाकामी को दुनिया के सामने रख रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता कमलेश यादव ने बताया कि बरियारपुर वह गांव है जिसका एनडीए के पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा ने गोद लिया था, और इसकी हालत ऐसी बदतर है। नेशनल हाईवे बरियारपुर के पास बड़ा गड्ढा बना है जिसमें पानी जमा होने के कारण लोगों को आने जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई गाड़ियां कई बार फंस जाती है और लोग कई बार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ये स्थिति है बिहार के सीतामढ़ी के नेशनल हाईवे की, और इसी बदतर स्थिति को उजागर कर रहे हैं। सीतामढ़ी से आनंद बिहारी सिंह की रिपोर्ट।